स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी 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 मोदी, स्वागत है भाई, स्वागत है। हमारे मंच पर विश्व के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी मौजूद है। इस बार झालावाड़ की जनता आपका हृदय से अभिवादन करती है, स्वागत करती है, वंदन करती है। मैं स्वागत के क्रम में हमारे बारा झालावाड़ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री दुष्यंत सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को साफा पहनाकर तस्वीर भेंट कर उनका अभिवादन करें और सभी तालियों से गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब मैं यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी से आग्रह करता हूं कि वो राम मंदिर का मूवमेंटो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भेंट कर लोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिवादन करें। स्वागत है भाई, स्वागत है। देश की जनता 2024 में हैट्रिक लगवाने के लिए जिनकी बेसब्री से इंतजार कर रही है, ऐसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हाड़ौती और अंता कि इस धरती पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सभी उपस्थित जनता, माताएं, बहनें, भाइयों, बुजुर्गण सब जो यहां आए हुए हैं, उन सब की ओर से मैं आपका अभिनंदन करना चाहती हूं। ये वो नेता हैं हमारे जिन्होंने पूरे देश के अंदर, जो पूरा देश उनका लोहा मानता है, और देश ही नहीं, आज इनका नेतृत्व पूरा विश्व स्वीकारता है। ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे इस भूमि पर उनका स्वागत करने का काम करते हैं। जोर से भाई सुनना है आवाज, मोदी मोदी। राजस्थान की जनता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपकी बहुत आभारी है कि आपने अपने जनधन, गरीब कल्याण और आपके आयुष्मान, आपकी उज्ज्वला और आपकी मुद्रा जैसी योजना का लोगों के बीच में पहुंचाकर लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। ऐसे प्रधानमंत्री आज हमारे बीच में हैं। आपने इन स्कीम्स के द्वारा हम सबकी जीवन को बदलने का काम किया है, और अभी अभी किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो 6000 रुपए हर एक आदमी को, हर एक किसान को उसके बैंक अकाउंट में मिला करता था प्रतिवर्ष, उसको 12000 रुपया करने का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने अभी वादा किया है। जन जन के आस्था का प्रतीक हमारा राम मंदिर, जिसके बारे में सालों से बातचीत चल रही है, आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग, उसके बारे में बताते रहते हैं, परंतु आज उसको अयोध्या में बनाकर
उन्होंने हम सब देशवासियों के जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने का काम करते हुए हम सबको गौरवान्वित करने का काम किया है। एक तरफ तो आपके श्रेष्ठ तंत्र ने विकास के लिहाज से भारत को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया है, वहां दूसरी ओर अशोक गहलोत के भ्रष्ट तंत्र ने राजस्थान को पीछे ढकेलने का काम लगातार 5 साल के अंदर करने का काम किया है। देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार आज राजस्थान के अंदर है और राजस्थान में सबसे अधिक भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड अगर कहीं टूटा है तो वो इस भूमि, इस अंता की भूमि के ऊपर टूटने का रिकॉर्ड। इस भ्रष्टाचार से हमारी पूरी जनता दुखी हुई है और हम लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा राजस्थान इस भ्रष्टाचार के अंटे में से निकलकर फिर से अपने पैर पर खड़ा हो सके। भ्रष्टाचारी नहीं, महिला, दलित अत्याचार, बेरोजगारी, आपका पेपर लीक, इन सब ने भी गहलोत सरकार ने अपना कीर्तिमान बनाने का काम किया है। और अब आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमें विश्वास है कि ये गहलोत जी हार का भी कीर्तिमान बनाने का काम करने जा रहे हैं। या आप लोग सब करोगे, आप लोग बनाएंगे इनका, गहलोत की अधिकतर जो घोषणाएं हैं वो सिर्फ घोषणा है, वो जमीन पर हमको देखने को नहीं मिलती है। और पिछले बजट के अंदर उन्होंने जो जो हमारे घोषणाएं की थी आप सब जानते हो कि वो जमीन पे उतरे नहीं है और अब ऐसा ही रहेगा, वो जमीन पे उतरने वाले भी नहीं है। और परंतु बोलने में उन्होंने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है, जहां जाते हैं वहां पत्थर लगाते हैं, अपना नाम छोड़ते हैं और सब सब लोगों को यही कह के जाते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मांगो और हम देंगे। परंतु ये पहले करने की जरूरत थी, 4 साल कुछ नहीं किया और अब आज आपके सामने आके हाथ जोड़ जोड़ करके ये लोक लुभावनी आपके सामने बातें करने की कोशिश करते हैं। एक मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगी, उनकी चिरंजीवी स्कीम, उन्होंने हमारी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की नकल करने की कोशिश की। फर्क तो इतना ही है कि सरकारी अस्पताल उन्होंने तो हाँ करके उनके साथ जुड़ने का काम किया, परंतु जो प्राइवेट अस्पताल हमारे स्कीम भामाशाह योजना के अंदर जुड़ा करते थे उन्होंने सख्त मना कर दिया कि हमें कोई विश्वास नहीं है कि ये सरकार हमको पैसा देगी, इसलिए हम उनकी चिरंजीवी योजना के अंदर जुड़ना बिल्कुल ही नहीं चाहते। जनता को लुभाने का काम किया तो कभी 5 लाख बोले तो फिर 10 लाख बोले तो 25 लाख बोले और बोलते बोलते 50 लाख तक वो चले गए। आज अगर आपने विज्ञापन देखा होगा तो फिर 50 लाख से 25 लाख तक आने का काम उन्होंने किया है। भूल जाते हैं कि उन्होंने कौन से वादे किए हैं और नए वादे कर करके और लोगों को जोड़ने का काम करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं स्कीम से पता लगता है कि प्रदेश के विकास के लिए वो कितने सीरियस हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि उनमें से कोई ऐसा है, कोई ऐसी स्कीम है जिसको पूरी तरह से जमीन पे लाने का उन्होंने काम किया है। किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी तो जरूरत होती है। आपके आशीर्वाद से बारा और झालावाड़ के अंदर ट्रेन्स की सुविधाएं भी हो गई हैं और आपके आशीर्वाद से रोड्स भी केंद्र की योजनाओं से बहुत ही अच्छे अपने इस क्षेत्र में बन चुके हैं। पीने के पानी के लिए आपने लगातार पैसे हम लोगों को और हम लोगों के सरकार के द्वारा भेजने की कोशिश की है, परंतु मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने और उनके तरीकों की वजह से ये पानी हम लोगों तक नहीं पहुँचा है, उसमें बहुत ज़्यादा घोटाले हुए हैं और जनता के बीच ये पहुँचाने का काम सही तरीके से नहीं कर पाए हैं। परवन की सिंचाई की योजना 8,000 करोड़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब लोगों को देने का काम किया था, परंतु सरकार जाने के बाद 5 साल अब धीमी गति से चल रही है। अगर परवन नदी का काम भी हो जाता तो मैं समझती हूँ कि लोगों को पीने का पानी और सिंचाई का पानी जमीन के ऊपर पहुंचने का काम आगे चल भी जाता। किसान फिर से पूरी तरह से दुखी है। शिक्षा तंत्र के अंदर अव्यवस्था हो गई है,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर वो सुधरा था, परंतु अब फिर से हालत खराब हो गई। 34 साल के इस रिश्ते के अंदर हम लोगों ने धीरे 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 इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूं कि एयरपोर्ट भी हमारा, ये सब तंत्र तैयार हो गए, अब हमारा एयरपोर्ट भी तैयार हो गया है। 3000 मीटर की रनवे और पर्याप्त भूमि का अभी अधिग्रहण भी हो चुका है। अगर आपकी कृपा होती है तो एयरपोर्ट से संबंधित जो भी बाकी काम है वो पूरा हो जाएंगे और हाड़ोती भी आगे चल के मुख्य धारा से जुड़ पाएगी। ये चुनाव हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ये सब काम आपके हो जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब कार्यकर्ता प्रचंड बहुमत के साथ हमारे आठों की आठों सीटों को लेकर सरकार बनाकर आदरणीय मोदी जी के हाथ को मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। इसके लिए अंता से हमारे कंवरलाल जी मीना, बाराटू से हमारे राधेश्याम जी बैरवा, छबड़ा से हमारे प्रताप सिंह जी सिंघवी, खानपुर से हमारे नरेंद्र नागर, किशनगढ़ से हमारे ललित मीना, मनोहथाना से हमारे गोविंद रानीपुरिया, डग से हमारे कालूलाल जी मेघवाल और झालावाड़ से मुझ सहित हम सबको आशीर्वाद देकर सेवा करने का अवसर आप लोग सब प्रदान करेंगे। यही कहते हुए दोनों मुट्ठी को तान करके आप अपने दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार नारा लगाएंगे मोदी जी के सामने, इस महिला विरोधी, इस युवा विरोधी, इस किसान विरोधी, दलित विरोधी, व्यापार विरोधी और फिर विकास विरोधी सरकार को हम हरगिज फिर वापस नहीं आने देंगे। इसलिए जोर जोर से मोदी मोदी मोदी। भारत माता की, भारत माता की। और एक नारा राजस्थान का, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।